हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा ड्राइविंग स्कूल रेवाड़ी। साथियों, आज आपको जानकारी के अनुसार बताना चाहूंगा कि जब कोई भी नया नया ड्राइवर बनता है, मान लीजिए आप ड्राइविंग सीख रहे हैं और आपके सामने अचानक कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए, है ना, तो आप गाड़ी को रोकना शुरू कर देते हो, क्लच भी दबा लेते हो, ब्रेक भी लगा लेते हो। लेकिन क्या होता है दोस्तों, उस मौके पे आप ब्रेक लगा के और आगे चलना भूल जाते हो, है ना। आपके सामने कोई वाहन था, वो चला गया, स्पीड ब्रेकर पार कर गया, और आपने उस मौके पे ब्रेक तो लगा ली, लगा भी लेते हैं आप लोग ब्रेक, लेकिन वो अगला वाहन तो चला जाता है स्पीड ब्रेकर पार करके, और आप ब्रेकर के ऊपर ब्रेक लगा के गाड़ी को रोक लेते हो ना, और पीछे फिर हॉर्न बजाते हैं और वाहन वाले, आपकी गाड़ी वहीं जाम हो जाती है। जब तक आपकी समझ में आएगा कि मुझे चलना है, तब तक पीछे से लोग हॉर्न बजा बजा के आपको और ज्यादा परेशान कर देंगे, आपको बहुत ज्यादा डर सताने लगेगा कि यार अब क्या होगा, है ना, पीछे से तो बहुत हॉर्न आ रहे हैं, मैं क्या करूं, है ना। इस तरह आप भूल जाते हो कि करना क्या है। आज आपको वो जानकारी देना चाहूंगा कि जब भी स्पीड ब्रेकर आ जाए या जाम की स्थिति बन जाए, गाड़ी को रोकना पड़ जाता है कई बार, और जाम जब आगे खुल जाता है तो ब्रेक लगाते ही, गाड़ी के रुकते ही दोस्तों आपने फर्स्ट गियर लगा लेना है। समझ गए ना मेरी बात को, तुरंत चलने के लिए तैयार होना है। बस एक बात याद रखना कि हमें चलना भी है। यदि आपने ये बात याद रखी कि हमें चलना भी है, ब्रेक के बाद याद रखना पड़ेगा, ब्रेक लगाने के बाद हमें चलना भी है, तो चलने की स्थिति में आप चलने की पोजीशन में तुरंत रेडी रहें। जैसे स्पीड ब्रेकर आया, गाड़ी में ब्रेक लगाए, गाड़ी आपकी रुक गई है मान लीजिए, तो आप लोगों ने तुरंत फर्स्ट गियर लगा के चलने की पोजीशन में रहना है। अगला वाहन चला गया तो आपने भी फर्स्ट गियर में क्लच को छोड़ना शुरू करना है, एक्सीलेटर को दबाना है, बस ठंडे दिमाग से। मैं अपनी हर वीडियो में आपको यही कहता हूं कि दिमाग को ठंडा करके, दिमाग में गर्मी नहीं होनी चाहिए, दिमाग हिट नहीं होना चाहिए, आपका बीपी हाई नहीं होना चाहिए, आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उस मौके पे जब आप ब्रेक लगा लेते हैं तो आपको चलने की पोजीशन में होना पड़ेगा। फर्स्ट गियर लगाया, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया, एक्सीलेटर को दबा लिया हल्का सा, तो गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। यदि गाड़ी के रोकते ही पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा है, बस इतना ही ध्यान रखें कि पीछे से हॉर्न आ रहा है, मैंने अपनी गाड़ी चलानी है। ये ध्यान में नहीं रखना है कि यार हॉर्न बजा रहा है वो, तो अब मैं क्या करूं, यानी कि आप लोगों ने डरना नहीं है, घबराहट अपने दिल और दिमाग में नहीं रखनी है। किसी ने हॉर्न बजाया तो आपको चलना पड़ेगा, सीधी सी बात है, और चलने के लिए दिमाग ठंडा रखें। फर्स्ट गियर लगाया और ड्राइविंग शुरू की आगे, है ना, इतना ही तो काम है। बस ये जरा सा काम कर लेना, फिर उस स्पीड ब्रेकर पे या जाम में आपको ड्राइविंग करने में डर नहीं लगेगा। अब जाम की स्थिति बता देता हूं, ठीक इसी प्रकार है। अगले वाहन रुके, आपने क्लच दबा के ब्रेक लगा लिया, आपकी गाड़ी रुकी, तो चलने की स्थिति में आप भी रहे, फर्स्ट गियर लगाए और चलाना शुरू कर दे। मान लीजिए हम चार कदम चलते ही अगला वाहन रुक गया, आपने भी गाड़ी को रोक लेना है, क्लच दबा के ब्रेक लगा लेना है, फर्स्ट गियर चलना शुरू। एक एक कदम भी गाड़ी चलती है ना, किस कारण चलती है, क्लच के कारण। केवल फर्स्ट गियर लगाए रखे, क्लच दबाया, ब्रेक लगा लिया, फिर चलना शुरू। मान लीजिए एक कदम चलना है तो क्लच को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करना है, अचानक अगले वाहन फिर रुक गए, फिर क्लच दबाया, ब्रेक लगा लिया, इतना सही काम करना, बस दिमाग को ठंडा रखना है दोस्तों। यदि आपने इस तरह दिमाग ठंडा करके और गाड़ी चलाना शुरू किया तो मैं निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि उस मौके पे स्पीड ब्रेकर पे और जाम में आपको डर नहीं लगेगा, आप आसानी से गाड़ी चलाएंगे। बस ध्यान रहे, चलने की पोजीशन में हमने रेडी रहना पड़ेगा। जब भी ब्रेक लगाया चलने की पोजीशन में हो जाओ, ब्रेक को नहीं छोड़ना है, ब्रेक लगाया, क्लच दबा लिया, फर्स्ट गियर लगा दिया, और जब चलना हो, हमें अगले वाहन चल पड़े हो तो हमने चलना होगा,
चलना होगा तो क्या करना है, ब्रेक को छोड़ के एक्सीलेटर पे पैर रखें, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दें। ये थी आज की जानकारी दोस्तों। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो औरों को भी शेयर करना, और हाँ हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर देना। मैं आपके लिए ड्राइविंग के क्षेत्र में अच्छी से अच्छी जानकारी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ड्राइविंग मतलब हरियाणा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल।